प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेक्टर्स, थीम्स और स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के दिन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था ना, लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। रीजन क्या था? रीजन ऑफ कोर्स था कि नंबर ऑफ सीट्स जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, करंट गवर्नमेंट को उतना सीट्स नहीं आया, उससे काफ़ी कम आया, तो इसीलिए बुरी तरह से गिरा था। बट हाँ, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिकवरी आया और काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। तो अब तेज़ी से ऊपर क्यों जा रहा है मार्केट? क्योंकि मार्केट को एक क्लैरिटी मिल गया है कि ऑल दो नंबर ऑफ सीट्स तो कम है, लेकिन करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगा। और नंबर ऑफ सीट्स इतना भी कम नहीं है कि जो भी पॉलिसीज अभी तक रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में इस गवर्नमेंट के, उसमें कोई मेजर चेंजेस होगा। सो मोस्टली जिस तरह का पॉलिसीज था, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा ना पैसा खर्च करना ताकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, या फिर फिस्कल डिफिसिट, दैट इज़ जो डेट है गवर्नमेंट का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, उसे कम किया जाए, तो इन चीज़ों पे जो गवर्नमेंट ने अभी तक स्ट्रेस दिया था मोस्टली वो कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब ये जानना बनता है कि कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं, थीम्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर वन पिक होगा फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें भी बैंकिंग और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स। देखिए, रीसेंट टाइम्स का अगर आप देखें तो PSU बैंक्स का रिटर्न्स बहुत आया, अच्छा खासा रिटर्न आया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को अगर आप देखें रिलेटिवली परफॉर्मेंस नहीं आया है, ज़्यादातर बैंक्स का इनफैक्ट नहीं आया है। और क्वालिटी वाइज ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्वालिटी खराब हो गया, क्वालिटी वाइज तो अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर को आप देखें तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया है, तो रीज़न क्या है? तो देखिए, एक तो है ऑफकोर्स कि FIIs का सेलिंग बहुत हुआ है यहाँ पे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि FIIs, आपको पता है, निफ्टी या फिर सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का, तो वहाँ पे FIIs के पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स ही हैं। तो अगर उन्हें बेचना है तो नेचुरली सबसे ज़्यादा वो क्या बेचेंगे? फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स बेचेंगे, बैंक्स बेचेंगे। तो वो एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण गिरा है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। क्योंकि बाहर का अगर आप वैल्यूएशन देखें, इंडिया इज़ इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करेंगे हमारा, इवन लार्ज कैप्स का, तो हमारा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है अभी। तो अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है तो थोड़ा प्रीमियम तो ऑफकोर्स बनता है, वो हमें चार्ज करना भी चाहिए, लेकिन हाँ, गैप बहुत बड़ा है। इसी कारण काफ़ी सारे FIIs ने इंडिया से पैसा निकाला और दूसरे कंट्रीज, मोस्टली चाइना में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो उसके कारण देखने को मिला कि जो फाइनेंशियल सेक्टर, खासकर ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया करते थे, उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्जिन्स तो कमा है ना ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप देखें, देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था ना, तो उस समय बैंक्स ने क्या किया, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक सबसे पहले अपना लोन जो वो देते हैं ना उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेते हैं, हाँ, लेकिन FD रेट वो बाद में बढ़ाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे उनका मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो उस समय तो आपने देखा रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि एक बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपने लोन का रेट बढ़ा दिया, तो फिर धीरे धीरे आपको FD का रेट भी बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो नेचुरली आपको पैसा चाहिए ताकि आप लोन दे सकें, और पैसा के लिए आपको ऑफकोर्स FD का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग FD करें। तो यहाँ पे मार्जिन्स तो बैंक में कम हुआ था, तो वो भी एक रीज़न कहा जा सकता है। बट हाँ, ओवरऑल देखिए, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऑफकोर्स मार्जिन्स थोड़ा हिट हुआ है, आने वाले कुछ और समय में थोड़ा और हिट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस को अगर आप देखें तो बिजनेस बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा बना रहेगा। और एनी ऑफ किसी भी इकोनॉमी का इंजन ऑफ ग्रोथ अगर बोले तो वो बैंकिंग सेक्टर ही होता है, फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बिना कोई भी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती है, इसीलिए। और देखिए, PSUs में ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि PSUs का शायद रिटर्न नहीं आए, वहां भी रिटर्न्स आ सकता है PSU बैंक्स में, लेकिन हाँ, अगर आप वैल्यूएशन देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, तो फिलहाल जो मार्केट कंडीशंस है वहां पे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप लार्ज कैप बैंक्स की बात करें तो
आईसीआईसीआई बैंक तो फिलहाल ऑफ कोर्स नो ब्रेनर की तरह आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है पहले से आईसीआईसीआई बैंक का, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद दो बैंक्स हो सकते हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए एचडीएफसी और कोटक दोनों, अगर एचडीएफसी का देखें तो परफॉर्मेंस तो डाउन हुआ है पहले से ना, जब से ये मर्जर हुआ है, खासकर तब से इनके कुछ पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, और अभी भी इन्हें कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मोस्टली ऐसा लगता है कि शायद 2-3 क्वार्टर और लगे, शायद हो सकता है ये पूरा साल लगे, उसके बाद इनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करेगा। लेकिन हाँ, इनका जो वैल्यूएशन है ना एचडीएफसी बैंक का, वो रिलेटिवली काफ़ी कम हो गया है पहले से, तो कम वैल्यूएशन के कारण हो सकता है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आएँ, बट हाँ रिटर्न्स आने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, उनका अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पैरामीटर्स में पहले बहुत अच्छा हुआ करते थे, इसीलिए इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक बहुत बड़ा रीज़न था ना, वेरी हाई वैल्यूएशन, जिसके कारण यहाँ पे रिटर्न्स नहीं आया था। बट हाँ, अब देखेंगे तो पहले के मुकाबले वैल्यूएशन कुछ हद तक रीजनेबल हुआ है। आप में से कई लोग पीएसयू बैंक्स के बारे में भी जानना चाहते होंगे, तो देखिए पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो वहाँ हमारा एक पिक ऑफकोर्स एसबीआई होगा। तो एसबीआई का बिजनेस ऐसा है ना, उसके सब्सिडरीज इतने अच्छे हैं कि ऑफकोर्स वहाँ भी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्या होगा? सो बैंकिंग के बाद सेकंड आएगा एफएमसीजी। हाँ, एफएमसीजी वो डिफेंसिव सेक्टर में हम रखते हैं, डिफेंसिव बोलते हैं उसे। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर मार्केट कंडीशंस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट हाँ रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें, खासकर कोविड के बाद जब मार्केट ऊपर गया, तो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज़ आपको मिलेंगे जहाँ की परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ नहीं, सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ नहीं, तो इसीलिए रिटर्न्स भी नहीं आया स्टॉक मार्केट में। और ये प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ क्यों नहीं आया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है रूरल इकोनॉमी ना, कोविड के बाद से जब से मार्केट ऊपर आए तब से रूरल इकोनॉमी हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लास्ट ईयर भी देखें तो मानसून का प्रॉब्लम था, तो ओवरऑल वैसे एफएमसीजी कंपनीज जिनका बिजनेस रूरल मार्केट से भी आता है वो बुरी तरह से हिट हुआ है। एक एचयूएल आप देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस इसके कारण बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। बट हाँ, अब इस साल का अगर मॉनसून देखें तो लगता है कि मॉनसून जो भी अभी तक बताया जा रहा है फॉरकास्ट, कि मॉनसून इस साल बहुत अच्छा रहेगा, और ओवरऑल गवर्नमेंट का भी ऐसा लगता है क्योंकि ना नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, दूसरे पार्टनर्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाए, जिसके कारण रूरल इकोनॉमी में आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण एफएमसीजी में भी आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न आने का ऑफकोर्स एक बड़ा रीज़न ये भी है कि देखिए कंपनीज तो अच्छे हैं और उनका जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, प्रॉफिट्स आएगा, सेल्स आएगा, तो नेचुरल स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। और फिलहाल अगर आप देखें लास्ट फ्यू ईयर्स तो रिटर्न्स आया नहीं है, ऑल्दो एफएमसीजी के ज़्यादातर कंपनीज़ का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना, वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट इनका वैल्यूएशन ऐसा ही रहता है। इनका वैल्यूएशन अगर आप चाहेंगे कि बहुत सस्ते में मिल जाए तो कभी नहीं मिलता है। बट हाँ, वैसे एफएमसीजी स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, रीसेंट टाइम्स का परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस आ सकता है, और वैल्यूएशन अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तो उतना चलेगा, तो उस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो एफएमसीजी में हमारे टॉप पिक्स कौन से होंगे? तो ऑफकोर्स एचयूएल जो कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा कॉलगेट आप देख सकते हैं, नेस्ले देखा जा सकता है, तो ये कुछ टॉप पिक्स होंगे। देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक्स का मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ स्टॉक्स अच्छे हैं और बाकी सारे स्टॉक्स खराब हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ उसमें से कुछ स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है जो कि हमें लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज शायद लॉन्ग टर्म में अच्छे रहे। हमारा थर्ड पीक होगा फार्मा। देखिए एफएमसीजी की तरह फार्मा भी डिफेंसिव बोला जाता है, किसी भी मार्केट कंडीशन में फार्मा कंपनीज का परफॉर्मेंस जनरली अच्छा होता है। रीज़न क्या है? देखिए किसी का तबीयत ख़राब होना है तो वो इकोनॉमी देखकर तबीयत ख़राब तो होगा नहीं, वो कभी भी हो सकता है। देखिए फार्मा कंपनीज़ का भी अगर आप रिटर्न्स देखें ना तो नहीं आया, कोविड के समय ह्यूज रिटर्न्स, क्योंकि नेचुरली उस समय डिमांड बहुत बढ़ गया था, प्रॉफिट्स अच्छा खासा हुआ, सेल्स अच्छा खासा हुआ, तो उस समय रिटर्न्स भी बहुत आया, लेकिन उसके बाद से ना उस तरह का नेचुरली जब बेस उतना हाई हो जाएगा तो उसे फिर से रिपीट करना संभव नहीं है, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया, तो इसीलिए फार्मा कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ, और स्टॉक मार्केट में अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो वो भी अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, अब रीसेंट टाइम्स में अगर फार्मा कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो वापस आ रहा है।
तो फार्मा से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो फार्मा में हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, सिप्ला है, सन फार्मा है, लुपिन है, तो बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, और इसके बाद होगा आईटी। हाँ देखिए, आईटी में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पेशेंस चाहिए होगा। हाँ, आईटी इमीडिएटली शायद कोई खास रिटर्न नहीं आए, क्योंकि देखिए आईटी आपको पता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स कहाँ होंगे, यूएस में होगा, उसके बाद यूरोप में होगा। यूएस में जब तक इंटरेस्ट रेट कट की बातें नहीं होंगी तब तक शायद आईटी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना आए। परफॉर्मेंस मीन्स उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी फ़र्क पड़ेगा, सेल्स भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कम है, और अगर वो नहीं होगा तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में रिटर्न भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो आईटी अगर कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल ये ध्यान में रखे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। इस साल के अंत तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस में रेट कट्स होंगे, तो उस समय जब भी ना रेट कट की बातें बिल्कुल एक्सट्रीम पहुँच जाएंगे कि नहीं अब रेट कट बस होने ही वाला है, ऐसा नहीं कि रेट कट हो उससे पहले ही, ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट उसका वेट नहीं करता, वो पहले मूव करता है, उससे पहले ही आईटी स्टॉक, जो अच्छे क्वालिटी के आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पे हम मोमेंटम देख सकते हैं, और उसके बाद रिटर्न्स ठीक आएंगे। तो आईटी भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बट हाँ उम्मीद है कि परफॉर्मेंस आएगा। आईटी में हमारे कुछ टॉपिक्स क्या होंगे, टीसीएस है, एचसीएल है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, कोफोर्ज है, ये कुछ अच्छे क्वालिटी के आईटी कंपनीज़ हैं। ऑफकोर्स आईटी में और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन हाँ देखिए जब भी जो भी स्टॉक्स हम बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ ऑफकोर्स ये किसी तरह का एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का रिसर्च करें ना, अच्छी तरह से फंडामेंटल्स चेक करें, वैल्यूएशंस चेक करें। देखिए क्वालिटी बहुत अच्छा है तो थोड़ा अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदे। कोई कितना भी अच्छा कंपनी हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो आइडियली हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। नाउ हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, डिफेंस, रेलवेज, रियल इस्टेट। तो देखिए डिफेंस में हमारे कुछ पिक्स होंगे एचएएल और मझगांव डॉक, दोनों ही पीएसयू कंपनी भी है। देखिए यहाँ पे तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर वो चलेगा, डिफेंस में तो चलना ही है ना, कौन मना करेगा। हाँ कोई अगर दूसरी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है तो वो भी डिफेंस के लिए तो मना नहीं करेंगे, नहीं आप डिफेंस के एक्सपेंसेस कम कर दो या फिर जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको डिफेंस का ज़्यादा हिस्सा दो, इसके लिए तो कोई मना नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहेगा बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस यहाँ पर काफ़ी आता रहेगा कई सालों तक। उसी तरह से रेलवेज़ अगर आप देखें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी देखिए डिफेंस हो या रेलवेज़ हो, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ऑफ कोर्स इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट देखें, रियल एस्टेट देखिए ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं ना, यूएस में भी होगा, इंडिया में भी होगा, हाँ कब होगा, टाइम लगेगा, ये बात सही है, लेकिन होना है और जल्दी ही होना है, ऐसा नहीं कि 2-3 साल के बाद होगा, जल्दी ही होना है। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ऑफकोर्स रियल इस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ देखें तो प्रेस्टीज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, गोदरेज एक अच्छा हो सकता है ऑप्शन। अभी हमने जिन सेक्टर्स, थीम्स या फिर स्टॉक्स के बारे में जाना, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स, थीम्स और सेक्टर्स हैं जहाँ के अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें तो लार्ज कैप में वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, जियो का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट इन दोनों का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। उसी तरह से अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप, देखिए अदानी ग्रुप के ज़्यादातर कंपनीज़ ना इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, तो अगर इंडिया 7% से ग्रो करेगा या उससे ज़्यादा ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, तो ऑफकोर्स वहाँ भी उन कंपनीज़ को भी अच्छा खासा इससे फ़ायदा होगा, डायरेक्टली लिंक्ड है। तो लाइक अदानी पोर्ट हो गया, अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ प्लीज़ उसका फंडामेंटल्स अपने एंड से ज़रूर चेक करें और वैल्यूएशन भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा ऑटो भी आप देख सकते हैं, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो है, यहाँ भी देखिए ऑटो ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न्स आ चुका है, ऐसा उम्मीद करें कि अब जो सेल्स है इनका ना, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि ऑटो सालों से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं था, उसके बाद कोविड के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया रिसेंट टाइम्स में, और उसके बाद अब देखिए एक लिमिट होता है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ से उस तरह का ग्रोथ शायद नियर फ्यूचर में ना हो, ग्रोथ इनका थोड़ा हद तक शायद कम होगा, लेकिन हाँ ओवरऑल ग्रोथ होता रहेगा और अच्छा खासा ग्रोथ होता रहेगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तभी आप डायरेक्ट इक्विटी दैट इज स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है तो अच्छा होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है,
है, कोई फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आइडियली हमें स्टॉक से दूर रहना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।